सिंगरौली में एक और कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि यह युवक कुछ दिन पहले नोएडा से अपने गांव आया था। मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही युवक के परिवार को अलग रखा जा रहा है। सिंगरौली के पडरी गांव में कोरोना मरीज मिलने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। युवक 3 जून को नोएडा से आया था। घटना की जानकारी होने पर SDM और थाना प्रभारी गांव पहुंचे और सभी गांव वालों को एहतियात बरतने की सलाह दी। मरीज के परिवार को अलग रखा जा रहा है और पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। घर के आसपास सैनिटाइजर किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के संपर्क में आने वाले चौकी के 4 पुलिस वालों का भी सैंपल टेस्ट के लिए ले लिया गया है और इनके भी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले में इनके पहले भी 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज चितरंगी तहसील में मिल चुके हैं। इनमें से कुछ ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।